काका बाबा बदन राम राम हूँ आवी तमारी वसमा मुकेश परमार खबर लेने बात कर लें कि जेवी रीते फूल वाली पार्टी अन कांग्रेस वाली पार्टी ने जो काल नगर पालिका ने जो चुनाव थयो तेमा हाथे हाथे एक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू थी गयो एक बीजा ने गाळो देवानी बात जेवी रीते काल केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरियाए एक बयान आल्यो तेना बयान में एम कीधुँ कि फूल वाली पार्टी जो जिला अध्यक्ष है तीन महिलाओं तिहुन पर आरोप यो लगाड़ियों क्योंकि महिलाओं पर ज गलत नज़र से अन तिनी नियत हेवी से एवी रीतनी आरोप लगाड़ियों कांतिलाल भूरिया है क्योंकि काल इन्हीं हारू तीन सवाल पूछो कि भाई कांतिलाल भूरिया ने कि जो नगर पालिका ने जो चुनाव में झाबवा ने वार्ड क्रमांक 4 पर जो बात थाई अन तिनी पर जो कसाट छालतेली तिनी कसाट पर तो तिने जवाब आलियो कांतिलाल भूरिया कि भाई यो हेवी रीते जो प्रशासन पर दबाव नखावे फूलवाड़ी पार्टी ने सरकार से तिना कारण थी प्रशासन तिना अंडर में काम करो एवं रीति तिने बात कीधी एवं रीतनी आरोप लगाड़ियों कि कांतिलाल भूरिया कीधु कि भाई बामणिया ने जो महिला से तीनी पर भी आरोप इन्हीं पर लागो फिर थांदला ने महिला पर भी एवं रीति बात कीधी से कांतिलाल भूरिया यो मोटो आरोप करो क्योंकि तिहुनी पर स्पष्ट कह दूँ कि कांतिलाल भूरिया कि भाई ये लक्ष्मण नायक नी निगाहें गलत से तिनी नियत खराब से एवं रीतनी आरोप लगाड़ियों तमन हूँ बताड़ू कि काल नो जो बयान हो तो इन्हीं पर यह सरसा था कि जे सावीर फिटवेर जो कांग्रेस नो प्रवक्ता होतेलो फूलवाड़ी कांग्रेस पार्टी नो प्रवक्ता हो तो तिनी पर ये तिहुनी जो वोट ने परसीना मामला कोई छालियो तिनी पर ये विवाद बढ़ियो इन्हीं बात कांतिलाल भूरिया ने यो मोटो आरोप लगाड़ियों फूलवाड़ी पार्टी नो जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक पर हूँ कह दू तुम हमड़ो इन आरोप पर हूँ कहवाने से भारतीय जनता पार्टी जगह जगह जाके वहाँ पर अनावश्यक विवाद खड़ा करना और कई प्रकार के कमेंट्स करना अब ये लक्ष्मण सिंह नायक की निगाह ही खराब है। वो महिलाओं के प्रति उनकी अच्छी मैंने सहानुभूति नहीं और निगाह भी अच्छी नहीं है। अब वो हर जगह जाके बामन एम भी मैंने महिला के साथ हरकत की थी और उधर से मैंने थांदला में भी नाटक किया था और ऐसे हर जगह महिला में घुस के जबरदस्ती वो छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। अब छाबीर बिटवेल उसकी बहू मैंने वहाँ पर खड़ी हुई थी और शांति प्रिय ढंग से वहाँ पर मना चुनाव हो रहा था और वहाँ जाकर आधा घंटा चुनाव बाधित करा हंगामा कराया ताकि यहाँ पर और उसमें हंगामा के बीच में वो हंगामा करते हैं और उधर उन्होंने पोलिंग अधिकारी उनको सबको के रखा फटाफट बटन दबा देना ये उनका प्लानिंग रहता तो जगह हंगामा करना और कुछ कर्मचारी को पटाखे रखता जिनको पटाखे रखा उस बूथ पर जाके करते और जब हंगामा चलता है वोट बंद हो जाते मतदाता इधर उधर भागने लगते हैं और उस बीच में बटन दबाने का काम अधिकारी करते हैं। तो ये पूरी ट्रेनिंग उन्होंने ले रखी थी हर जगह जाके कई जगह जाके उसने मैं भी गया था राणापुर में उन्होंने नाटक करने की कोशिश की थी और झाबा में भी उन्होंने नाटक किया फिर झाबा में मैं आया पूरा मतलब भ्रमण किया और वहाँ पर कहा भाई शांति प्रिय होना चाहिए और किसी तरह मैंने कलेक्टर को मैंने कहा कि यहाँ इस तरह से भाजपा वाले अंदर घुस घुस के 100 मीटर के बाहर रहना चाहिए और 100 मीटर के अंदर घुस के नाटक कर रहे हैं विवाद खड़ा कर रहे हैं लक्ष्मण सिंह जैसे हाँ उनको किसने अधिकार दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं तो भाजपा ये बेईमानी करके ही जीतना चाहती है और बेईमानी करके नगर पालिका अपना बनाना चाहती है मगर यहाँ के मतदाता बहुत ही जागरूक हैं और भारतीय जनता पार्टी कथनी करनी का अंतर वो समझ रहे हैं और ये तो उनका एक ही काम है कि नगर पालिका कब्जे करना और 5 साल तक लूटना ये उनकी प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का ही परिचय देते फिर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग उसका कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं कि वहाँ जाकर मैंने अचानक आवश्यक और मुंडे मोमेंट एंड वार्ड में जाके उन्होंने हंगामा किया और ताकि वहाँ की वोटर्स डर जाए और मतदान करने न आए और उनके वोटर्स निकल के आ जाए ये सारी चीज़ें हैं। तो उनकी प्लानिंग रहती है पर उस प्लानिंग में सफल नहीं हो सकते ये तो हेवी रीते में हम लोग कहूँ दिलीप सिंह कांतिलाल भूरिया ना बयान पर इन्हें पर एक खोटी बात कहती कि आज तक कहीं ने आरोप नहीं लगाड़े लेकिन कांतिलाल भूरिया है कहती कि महिलाओं पर जो एवं रीते सम्मान देव जो है फूलवाड़ी पार्टी जिला अध्यक्ष पर तीने पर एवं रीतनों आरोप लगाड़ो हम हाल तीनी बात करी कि हम फूलवाड़ी पार्टी जिला अध्यक्ष से भी संपर्क करो लेकिन तीन फोन थी हमारी बात नहीं थाई ताकि तीनों भी पक्ष हम जानवाने पूरी कोशिश करी आओ पूछनी कि आखिर ये आरोप केतरो सच्चाई से केतरो झूठ है। हालांकि इन्हें पहले भी घणों तीनी पर आरोप लागेला तीनी पर घने तीनी सफाई भी थी अन ये मामलों फिर हाईकोर्ट तक भी गेलो अन हाईकोर्ट ने निर्देश भी करेलो कि भाई झाबा एडिशनल SP साहब ने इस पर जांच करे इन पर क्यों थायो लेकिन तीनों भी कोई आज तक निराकरण नहीं थायो ताकि मालूम नहीं पड़े कि महिलाओं एवं रीते कांतिलाल भूरिया गंभीर आरोप लगाड़ो एक मोटो सवाल से कि इन पर फूलवाड़ी पार्टी
શું કરે છે એની પર એ વિચાર કરવાવાળી વાત છે. તે એવી રીતે આદમીને આવી રીતને આદમી એકદમ આરોપ કેમ લગાડે, કેમ કે બે તીન વખત એવી ઘટના થાય ચૂકી, એવી રીતની એક આરોપ પહેલાં લાગી ચૂક્યા મહિલાઓ તરફથી. અને હાવી એ વાત આવી કાંતિલાલ ભુરિયા તરફથી કે એવી રીતની વાત છે અને એક મોટો નેતાને એવી રીતની આરોપ લગાડ્યો એની પર બી કેતરી સસાય છે. અને ફૂલવાળી પાર્ટીનું જિલ્લા અધ્યક્ષની જે કમાન સંભાળ્યો તેની પર બી એક સવાલ ઊભો થઈ રહ્યો કે એવી રીતની કલ લગાતાર આરોપ કેમ લાગી રહ્યો, ક્યુકી અગર પાર્ટી ઈમાનદાર હૈ તો એવા જિલ્લા અધ્યક્ષ કેમ રાખી રહી એ બી સવાલ છે. અગર સહી હૈ દૂધનું દૂધ પાણીનું પાણી હોય તેની સફાઈ કરવું જોઈએ, તે દૂધનું દૂધ પાણી કરવું જોઈએ, તાકી તેને માલમ પડે કે સમાજ અને જે પાર્ટી સંગઠનને કેવી રીતે જિમ્મેદારી મળી શકે. અને જિમ્મેદારીને સાથે સાથે લોકોના મનમાં એમ બી થઈ રહ્યું કે યાર હકીકત ફૂલવાળી પાર્ટીને જે જિલ્લા અધ્યક્ષ પર લગાતાર એવી રીતનો આરોપ કેમ લાગ્યો, એવી રીતની વાત છે. હું તમારી વસ્તુમાં ફેર એવી રીતની ખબર લઈને આવતો રહી. કાકા બાબદા રામ રામ.